वहीं आम आदमी पार्टी सरकार में सत्येंद्र जैन और दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष रागव चड्ढा भी सिंघू बॉर्डर पहुंचे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। इस दौरान नेताओं की पुलिस से बहस हो गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश के बाद सत्येंद्र जैन और राघव चड्ढा किसानों के लिए पानी का टैंकर लेकर पहुंचे थे। इस दौरान राघव चड्ढा ने कहा, देश का किसान आतंकवादी नहीं है, वो अन्नदाता है और भाजपा सरकार उस अन्नदाता तक पानी, लंगर और शौचालय की सुविधा हमें नहीं पहुँचाने दे रही है। ड्राइवर को बोलो टैंकर से अनिल जैन जी गए। अनिल जी निकालो। देश का किसान आतंकवादी नहीं है, देश का किसान हमारा अन्नदाता है। देश का किसान जो अन्न उगाता है वही हम लोग खाते हैं। प्रधानमंत्री भी वही खाते हैं, संतरी भी वही खाता है, सड़क पे सो रहा गरीब आदमी भी वही खाता है। और आज उस अन्नदाता तक बुनियादी सुविधाएं, पानी की, लंगर की, शौचालय की बुनियादी सुविधाएं भाजपा की सरकार नहीं पहुंचाने दे रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आदेश पर हमारी सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन जी, मैं खुद, हमारे सभी विधायक साथी यहाँ पहुंचे हैं यहाँ पर पानी मुहैया कराने के लिए। और हम दिल्ली पुलिस को ये कहते हैं कि अगर भाजपा की सरकार ने आपको आदेश दिया है कि किसान को पानी नहीं मिलना चाहिए तो लिखित में दिखाओ कहाँ आदेश दिया है। आप ऐसे रोक नहीं सकते। आज देश के किसान तक हम लोग पानी पहुंचाएंगे, शौचालय की सुविधा उसे देंगे और देश के किसान को गद्दार की तरह, देश के किसान को आतंकवादी की तरह ट्रीट करना भाजपा की सरकार बंद करे। तो गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन को आम आदमी पार्टी ने अपना समर्थन दे दिया है। गुरुवार की रात गाजीपुर बॉर्डर के धरना स्थल पर पानी और बिजली काट दी गई थी, जिसके बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने गाजीपुर बॉर्डर पर पानी और बिजली की व्यवस्था की। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज सुबह गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने धरना स्थल पर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस वक्त मैं खड़ा हूं गाजीपुर बॉर्डर पे और हमारे साथ हैं मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और लगातार समर्थन के लिए आए हैं। सर, आप यहां पे आए हैं किसान संगठन को समर्थन देने आए हैं? नहीं, समर्थन तो है ही, साथ साथ में हमारा ये भी है कि जो दिल्ली सरकार की ओर से यहां फैसिलिटी दी गई है, बिजली की, पानी की व्यवस्था की गई है, टॉयलेट्स की व्यवस्था की गई है, उसको मैं निरीक्षण करने आया था कि सब सुचारू चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सर, ये कहा जा रहा है कि 26 जनवरी की घटना के बाद ये आंदोलन जो बहुत चरम पे था वो बहुत कम हुआ है। यहाँ पे भी हम लोग भी देख रहे हैं कि जो बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए थे, समर्थक थे उनके, वो चले गए हैं। देखिए, 26 जनवरी से पहले भी और बाद में भी जो किसान की मांग है वो बहुत जायज़ है। ये भी कहना है बीजेपी का कि सर केजरीवाल जी सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, सबसे पहले सदन में कानून पास करने वाले वही थे, फाड़ने वाले वही थे, तो उनका कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड रहता पूरे मामले में। भारतीय जनता पार्टी इसको वापस ले ले, हम डबल स्टैंडर्ड रखें, ट्रिपल स्टैंडर्ड रखें, हम विरोध करें ना करें, भारतीय जनता पार्टी इन किसानों की बात क्यों नहीं सुन रही है, वो उस बात का जवाब दे। भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बहादुर कौम, सरदार जिनको देश पर कट्टर देशभक्ति के लिए जाना जा रहा है, उसको गद्दार कह रही है भारतीय जनता पार्टी और इसके नेता। क्यों गद्दार कह रहे हो भाई? ये सरदार अब गद्दार हो गए? ये किसान गद्दार हो गए? अब जब इनसे वोट मांगने जाते हो तो ये देश के लोग होते हैं और आप गद्दार हो गए किसान? इस देश का किसान को गद्दार कह रही है भारतीय जनता पार्टी, इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। नहीं, 26 जनवरी की घटना को आप जस्टिफाई करते हैं सर? नहीं, वायलेंस को मैं जस्टिफाई नहीं करता हूँ, वायलेंस को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन वायलेंस में जिन लोगों, जो लोग शामिल हैं वो लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कितने नज़दीकी हैं ये भी आप लोग दिखा रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल है कि बहुत बड़ी संख्या में लोकल लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे भी, कि स्थानीय लोग आ रहे हैं, सिंघू बॉर्डर भी पहुँचे थे, उनका कहना है कि अब लोकल लोगों का सब्र का बांध टूट रहा है और हम अब बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। ये स्थानीय लोग तो मैंने कहीं नहीं सुना, मैंने तो ये देखा कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के कुछ गुंडे टाइप के लोग आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने गुंडे भेज रही है और उनको, किसानों को दुखी कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।